तो गाइज मेरी मोटरसाइकिल सर्विस कराने के बाद कुछ गाइज वेलकम है आप सब लोगों को फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। जल्दी जल्दी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ सांचो और मोटरसाइकिल जो है सर्विस करवाने के लिए। और अभी मैं फिलहाल हूँ भारतमाला पे, तो देख सकते हो आप लोग बाइक को मैंने ले लिया है, तो जल्दी से चलते हैं करवाते हैं बाइक को सर्विस और फिर आते हैं वापस। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं इंट्रो कराऊँ, तो थोड़ा बहुत लेट हो चुके हैं, अभी बच चुके हैं 2 और मेरे को सांचो जाके सर्विस करवा के थोड़ा बहुत काम है वो निपटा के फिर वापस आना। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से, मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो गाइज हम फिलहाल नेक्स्ट लोकेशन पहुंच चुके हैं, ये है सांचोर। सांचोर आ चुके हैं हम जल्दी से और ये सांचोर में क्या रखा पड़ता है। तो गाइज फाइनली हम लोग हीरो के शोरूम पे पहुंच चुके हैं और हमने बाइक जो है अंदर दे दी है। चलो उसको जो है अंदर वॉशिंग हो रही है और अंदर सर्विस करवाएंगे। चलो जल्दी से आप लोगों को अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो काफ़ी अंदर है जो बाइक जो है अंदर वॉशिंग हो रही है, आप लोगों को दिखाता हूँ बाइक जो है वॉशिंग होते हुए। तो शोरूम के अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हो आप अंदर बाइक ही खड़ी है और इसके अंदर भी बाइक्स है, बहुत सारी बाइक्स है। तो गाइज अपनी बाइक हो चुकी है अभी जो है सर्विस और अभी देखो चमचमा रही है एकदम सही सेट। और अभी चलते हैं हम घर पे, तो इसके अंदर क्या क्या सर्विस कराया है, क्या क्या नया डलवाया है वो आपको मैं जाके मतलब घर पे जाके ही आपको बताऊंगा। और कुछ ये जो है आगे से थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था ना क्रैश, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत लेमिनेशन करवा के करवाना है, तो चलो वो आगे करवाते हैं, बाज़ार के अंदर चलते हैं। तो चलो सांचो। हे गाइज, हाँ तो दोस्तों कुछ बात करनी थी आप लोगों से। जो बात यह है कि मैं कुछ टाइम पहले मतलब 2 दिन पहले गया था सांचो और बाइक को सर्विस करवाने के लिए। तो मैंने क्या सर्विस कराई और क्या मॉडिफाइड करवाया जो मेरे बाइक के थोड़ा बहुत मतलब एक्सीडेंट मतलब क्रैश हुआ था, तो उस पे थोड़ा बहुत रबिंग वगैरह करवाई है, तो वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ अभी इसी वीडियो के अंदर। क्योंकि उस टाइम मेरे को सांचोर से वापस आते आते सीधा मतलब टाइम हो गया था, शाम के 8 बज चुके थे और पूरा अंधेरा हो चुका था। मैं रात्रि में घर पे आया और आज 1 दिन के बाद आज वीडियो को जो है मैं शूट कर रहा हूँ। तो गाइस कुछ इस प्रकार से मैंने बाइक को लगा दिया है और आप लोगों को दिखाते हैं हम आगे आगे क्या क्या मैंने करवाया है इसके अंदर। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं बाइक को लेकर के। तो गाइज ये है मोटरसाइकिल मेरे पास, हीरो स्प्लेंडर प्लस। तो गाइज इसके अंदर कुछ ऐसा करवाया मैंने, पहले बहुत ही मतलब खराब दिखती थी, तो आज सर्विस करवाने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैंने इस बाइक के अंदर क्या क्या करवाया। तो पहले सर्विस की बात कर लेते हैं। तो मैंने इसको पहले तो अच्छे से वॉशिंग करवाया, ओके, बाद में इसके अंदर ऑयल चेंज करवाया जो यहाँ पे इंजन के अंदर डलता है, तो उस ऑयल को चेंज करवा के बाद में इसके आगे पड़ाव में हमने इसके अंदर फिल्टर चेंज करवाया, जो कि बाइक लाने के बाद आज 2 साल हो चुके हैं तो फिल्टर उसके अंदर नहीं डला था, तो आज मैंने जो है अंदर नया फिल्टर डलवाया। और फिर जो ये केबल कांटा है इसकी जो है वायरिंग टूट गई थी, तो मैंने वो नहीं डलवाई, तो वो अभी जो है सही हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसकी सर्विस करवाई है और कुछ सर्विस करवाने के बाद इस प्रकार दिखती है। और जो मेरा क्रैश हुआ था ना, तो वो यहाँ पे हुआ था, तो अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो पहले गाइज जो है ऐसे ही थी, तो फिर मैंने इसके ऊपर ये कवर चढ़वाया है, बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और ये मैंने एक तिलक लगवाया है आगे जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखो गणेश जी का एक चित्र भी लगवाया है, आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा दिखता है आगे की तरफ। ठीक है, और कुछ
इस प्रकार से जो है बाइक को मैंने मॉडिफाइड करवाया है। तो गाइज आज के ब्लॉग के अंदर आप लोगों को कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि सर्विस कैसे करवाई और कैसी करवाई है मैंने। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर ले। थैंक यू सो मच, बाय गाइज़।